हेलो दोस्तों, आज के जो हमारा वीडियो है लेक्चर नंबर जो हमारा 12 चल रहा है, हमारा लेक्चर नंबर 12 है। जो कि दोस्तों आपका स्टैटिक्स के आपके क्लासेस चल रहे हैं, स्टैटिक्स से प्रैक्टिस कराइए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो जो कि आपको पूछे गए हैं वो आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिए। तो दोस्तों इसको हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दें, स्टैटिक्स में आपका कम से कम 50 से 60 लेक्चर आपको चलेगा, समझ रहे हैं। तो आपका स्टैटिक्स इतना अच्छे से मजबूत करवा दिया जाएगा, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव प्रकाश शर्मा। तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें से? आपका हो जाएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? हाँ। अब देखिए, अब सबसे पहले ये चीज़ आया है, ग्रैमो पुरस्कार इन्होंने कब जीता था? सबसे पहले आप जानिए, इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने कब जीता था आप बता सकते हैं? 1968 में इन्होंने क्या किया था, पहला ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता था। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, इनकी एल्बम, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का एल्बम कौन सा एल्बम है इनका, बोल सकते हैं एल्बम, ALBUM एल्बम, आप एल्बम आप कह सकते हैं वेस्ट मीट्स ईस्ट, ये इनकी एल्बम थी। तो ये एग्जाम में कई बार एल्बम पूछा है, ठीक है, और इनको बारे में भी पूछा है, ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने किस सन जीता है, इतना आपको याद रखना होगा। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मेरे भाई, भारत रत्न से क्या सम्मानित किया गया था इनको, 1999 इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार की बात है, ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने 5 बार इन्होंने जीता है, 5 बार क्या किया इन्होंने, जीता है मेरे भाई। ठीक है, जीता है, ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में करना है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं, भारत के प्रथम महिला ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली कौन थी, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली कौन थी, तो आप बताइए, आपको अगर पता है तो बताइए। तन्वी शाह को मिला था, तन्वी शाह को, ठीक है, तन्वी शाह जी थी, शाह जी को मिला था। अब कब इनको मिला था मेरे भाई, तन्वी शाह को मिला था 2010 में, इनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ग्रैमी पुरस्कार जो होता है मेरे भाई, ग्रैमी पुरस्कार आपको, ये जो ग्रैमी पुरस्कार हमें संगीत के क्षेत्र में मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है ग्रैमी पुरस्कार, हमें संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था, अब हम अगर आपसे एग्जाम में आ जाए, ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था देने के लिए, शुरुआत जब हुआ था कब हुआ था, तो आप इसका शुरुआत जब हमारे हुआ था भाई, 1959 में इसका शुरुआत हो गया था, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, हाँ पीछे हम लोग चलते हैं, एक लोग का कमेंट आता है, जो रविशंकर जी हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, हाँ कि ये क्या थे, रविशंकर जी को मैंने बता दिया था ये तबला वादक थे, पर तबला वादक नहीं है मेरे भाई, ये सितार वादक हैं। ठीक है, सितार वादक हैं, जो कि आपको पिछले वाला जो वीडियो था इसमें मैंने बताया दिया था। ठीक है, तबला कलाकारों के नाम बताया था, मैंने बताया था पंडित रविशंकर प्रसाद ने, पंडित रविशंकर कर दिया था, पंडित किशन महाराज कर दिए, जो तबला वादक थे, तबला वादक में मैंने लिखवा दिया था, जैसे मैंने आपका तबला वादक में लिखा था, तबला कलाकार कौन कौन से, कलाकार कौन से थे, कलाकारों में कलाकारों की बात किया था। ठीक है, तो इसमें से मैंने नाम लिखा था कलाकारों में, हम बता सकते, इसमें लिखवाए थे मैंने पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जी नहीं है,
रविशंकर जी नहीं है, ठीक है, और मैंने लिखवाया था आपको पंडित किशन महाराज, किशन महाराज। पंडित किशन महाराज हो गए, और इसके बाद कौन से थे, पंडित त्रिनोब, पंडित त्रिनोब, त्रिनोब गुट्टू, ये सब लिखवाया था, जिसमें से पंडित रविशंकर प्रसाद जी तबला वादक थे, ठीक है, क्या थे, तबला वादक नहीं है, ये सितार वादक है मेरे भाई, सितार वादक हैं, इतना आपको नोट डाउन करके रखने हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और इसको हम लोग समझते हैं भाई, ठीक है, आइए। तो लिखा हुआ आपके सामने ई एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे, तो किससे हैं मेरे भाई, मेडोलिन से, गिटार से, घाटम से, पखावाज से, पखावाज से, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, घाटम से, ये कि ई एम सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है मेरे भाई। अब बताइए, अच्छा बताइए, घाटम बजाने वाले, अब आपसे मैं पूछूंगा, जो घाटम बजाते हैं, घाटम बजाने वाले, बजाने वाले प्रथम महिला कौन थी भाई, कौन थी, तो आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं, सुकन्या, कौन है, सुकन्या रामगोपाल, ये आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मेरे भाई, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, रामगोपाल, ठीक है, रामगोपाल, ये हो गया सुकन्या रामगोपाल, ठीक है। अब इसी तरह घाटम से जितने प्रमुख आपको बता दें, प्रमुख जो प्रसिद्ध हस्ती हैं कौन कौन है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, देखिए टी एच विनायक राम कर सकते हैं, टी एच विनायक, विनायक राम, और कौन हो जाएगा मेरे भाई, एस टी शंकर हो जाएंगे, एस टी शंकर हो जाएंगे, एक और नाम है वाई सलेवा गणेश, देखिए जहाँ जहाँ आपको सलेवा दिखाने, सलेवा गणेश दिखे, समझिए कि कौन सी जगह के हैं, आपको आप बोल सकते हैं कि ये घाटम, घाटम वाद्य यंत्र से हैं, कम से कम और भी चार पांच लोग और हैं जो हम अभी याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और चीज़ों के बारे में। अब देखिए मेडोलिन, आपका जो मेडोलिन है, मेडोलिन इसके प्रसिद्ध कौन है, श्रीनिवास, ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करने हैं। उसके बाद हो गया गिटार, गिटार का कौन हो जाएगा, ब्रजभूषण, ब्रजभूषण, ब्रजभूषण काबरा, काबरा, ठीक है, और आपका जो ये पख क्या था आपका, आप पीछे देखे, पखवाज का जो है सबसे बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जिसमें तोताराम शर्मा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आपको याद रखने हैं, पखवाज, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं तोताराम शर्मा, समझ गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, लिखा सज्जाद हुसैन अनुष्का शंकर, कृष्ण आर चौधरी, नागाई आर, मुरलीधरन, मुरलीधरन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया,
अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर किसका बेटी है बेटा, आपको पता होना चाहिए, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जी का बेटी है। वो किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है भाई, ये आपको बताते हैं वो आपको ये। अच्छा ये सितार के बारे में नहीं बात कर रहा, ठीक है, ये वायलिन के बारे में। तो वायलिन में कौन है, नगाई आर मुरलीधरन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नगाई आर मुरलीधरन जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए इससे जो प्रसिद्ध, इससे जो प्रसिद्ध और वायलिन जो बजाते हैं वो कौन कौन से, एन राजम, एन राजम हो गए, और इससे अप्रसिद्ध सुब्रमण्यम, कौन सुने, एल सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, ठीक है, ये चीज़ आपको समझिए। अब देखिए जो अनुष्का शर्मा, अनुष्का शंकर की बात करें, ये रवि, पंडित रविशंकर के बेटी हैं और ये भी सितार वादक है, ठीक है, सितार वादक है, समझ गए मेरे भाई, इतना आपको ध्यान में आ गया होगा, ठीक है। मेन आपका आंसर ये है इसका, ठीक है, वायलिन वादक कौन है, ये नागाई आर मुरलीधरन, ये जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब लिखा है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रसिद्ध संगीतकार शक्कूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, सितार, सरोद, सारंगी, संतूर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सारंगी, शक्कूर खान सारंगी, इतना आपको समझ में। अच्छा सारंगी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब मैं आपको बता दूंगा, सारंगी से जितने भी रिलेटेड आपके लोग हैं सब बताऊँ, सारंगी, लतीफ खान, लतीफ खान, और कौन है भाई आपका, अनुष्का नारायण, अनुष्का नारायण, और कौन है मेरे भाई, और आपका बुंद खान, बुंद खान, और इसके बाद कौन आपका, साबरी ब्रदर्स, साबरी ब्रदर्स, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप याद भी करेंगे, सारे लोग क्या हैं, लतीफ है, लतीफ किस पे, अनुष्का पे, मतलब लतीफ है सारे लोग, लतीफ है अनुष्का पे, बूंद बूंद, बूंद बूंद के लिए, मतलब बूंद बूंद इसको देखने के लिए आंखों को, मतलब कि आंखें खोले रखे हैं सारे लोग, लतीफ हैं, लतीफ हैं अनुष्का को देखने के लिए, बूंद बूंद अपनी आंखों से मतलब टप टप पसीना चू रहा है फिर भी इन लोग देखने जा रहे हैं कि हाँ अनुष्का को हमको देखना है तो देखना है, ठीक है। और साबरी ब्रदर मतलब सब ब्रदर लोग जितने यहाँ भाई खड़े हैं, सब जितने लोग खड़े हैं बाहरी खड़े हैं, सीढ़ी के बाहरी जो सीढ़ी है, सीढ़ी सीढ़ी के बाहरी सब लोग जितने ब्रदर्स हैं सब लोग खड़े हैं, तो साबरी ब्रदर्स, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सारंगी सारे लोग, लतीफ अनुष्का को देखने के लिए, बूंद बूंद, बूंद बूंद अपना क्या कर रहे हैं, अपना पसीना से बूंद बूंद गिरा रहे हैं अपने आँखों को, हाँ सारे लोग बाहरी खड़े हैं, बाहरी सारे ब्रदर्स लोग बाहरी खड़े हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अच्छा अब उसी तरीके से आपको बताना चाहूँगा, सरोद जो आपका सरोद है, सरोद, सरोद आपका कौन है, हाफिज, हाफिज, हाफिज अली, ठीक है, ये भी बहुत प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संतूर, संतूर वादक क्या निम्नलिखित है, शिव कुमार, शिव कुमार, और कौन होगा भाई, भजन, भजन सोपुरी, सोपुरी,
ठीक है। संत लोग, संत लोग क्या है, संत लोग क्या करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं संत लोग, शिव की आराधना करते हैं और क्या करते हैं, भजन करते हैं, भजन को सौंपते हैं, भोजन सौंपते हैं भगवान के प्रति, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कुमार गंधर्व गिटार क्या बजाते हैं, जिया मोहिदुद्दीन डागर रुद्र विन बजाते हैं, ठीक है, क्या बजाते हैं, रुद्र विन बजाते हैं, या कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन बजाते हैं, बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट बजाते हैं। तो आपका ये भी जिया मोहिदुद्दीन डागर रुद्र विन बजाते हैं, ये भी सही है। आपका कदरी गोपालनाथ सैक्सोफोन चलाते हैं, ये भी सही है। बॉम्बे जयश्री वो वोकलिस्ट चलाते हैं, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन सा है, ये आपका गलत है, कुमार गंधर्व गिटार नहीं बजाते, ठीक है मेरे भाई। कुमार गंधर्व जो हैं ये शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं। भारत में संगीत कितने प्रकार से विभाजन किया गया है, दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार से मेरे भाई, दो प्रकार से विभाजन किया, कौन सा है, कौन कौन सा है, एक आप बोल सकते हैं हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा बोल सकते हैं कर्नाटक संगीत। जो हिंदुस्तानी संगीत है, उत्तर भारत के जो संगीत है उसे हम, जो उत्तर भारत के जो संगीत है उसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। कौन कौन से संगीत आपके पास है, दो संगीत है, ठीक है, दो संगीत है, दो संगीत में बांटा गया है, एक हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा कौन सा संगीत है मेरे भाई, ये कर्नाटक संगीत। अब देखिए कर्नाटक संगीत वो संगीत है जो संगीत दक्षिण भारत में हो उसे हम कर्नाटक संगीत, दक्षिण भारत के जो संगीत है उसे हम कर्नाटक संगीत कहते हैं। मतलब कह सकते हैं दक्षिण भारत के जो संगीत है उसे हम कर्नाटक संगीत कहते हैं और उत्तर भारत के जो संगीत हैं उसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, चलिए मेरे भाई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भली बात ही आपको समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है मे दम मे फी एक पूर्वज पूजा उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है। आपका है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम, ठीक है। तो असम का और भी प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं इसको हम लोग समझते हैं, बिहू, ठीक है, और पर बैसागू और कौन सी है, चाय, अबू वाची और कौन सा है, बैरू, ठीक है, और कौन सा है, देहिंग और कौन सा है, पटकाई, रोंग कर मांजुली, ठीक है मांजुली, अब कौन सा है, अली ए लिंगा, ठीक है। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, दम कहेंगे, दम है तो बहुला, दम है तो बहु ले आया। अब बहु को बेसाग मतलब तुम्हारा नहीं, चाय नहीं बनाती है बेसाग, हाँ बात नहीं मानती है, बहू तुम्हारा बेसाग नहीं मानती है तो कहते हैं चाय नहीं बनाती है। देही, देह को उसको पटक दो, तो ये क्या करेगी,
अब्बू को बुला लेगी, अब्बू वाची, अब्बू को पास बुलाएगी, ठीक है, अब्बू वाची, अब्बू वाची जो रो रो के बोलेगी, अब्बू वाची को कहेंगे का हुआ बैरो, वो मुझे मार तो ये कहा बैरो, वो बहू आपकी काम ही नहीं करती है, आपकी बहू काम नहीं करती है, तो उससे अब रो रो के तुमको रो रो को बता रही है रोंग कर। इसका नाम क्या है, मांजुली, जो बहू है इसका नाम है मांजुली। हाँ, अब बहू उच्चा, इसके पिता क्या नाम है, अली एक लिंगा इनके, ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं, आपको याद हो गया होगा, मैं जानता हूँ आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से गोवा का बताइए, गोवा का उत्सव कौन से होते हैं, होता है एक चिक कक्कल कालो, ठीक है, और एक क्या होता है सन वन, मतलब कि आप क्या होगा आपका गोवा, इसको याद कैसे करेंगे, सन, आप गोवा जब जाएंगे तो सन, आपको सन लगेगा शरीर पे, हाँ जो चिकने हैं, चिकने आपको जो शरीर है ना, शरीर उसको क्या कर देगा, काला कर देगा, चिकने शरीर को क्या कर देगा, जो सन है चिकने को काला कर देगा, सन है जो चिकने को काला कर देगा, सन जो है ना चिकने को काला कर देगा, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, आप आपका हिमाचल प्रदेश का क्या होगा, लावी सिप्पी, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्या होगा, मध्य प्रदेश का होगा गढ़लया और निर्जा, मतलब क्या, नीरज किसका पर्यायवाची है, आप कह सकते जल का, तो जल कहाँ पर रहेगा, घड़े के पास रहेगा, जल कहाँ रहेगा, घड़े के पास रहेगा, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, इतना आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संकेन किसका एक पर्व है, जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, ईसाइयों का, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बौद्धों का पर्व है संकेन। अभी कहाँ पे है ये, होता है मनाया जाता भाई, और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा अब आपको ये हो गया संकेन, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणा और चल करके दो पति पत्नी रहते थे, ठीक है, उन्होंने क्या, तो बुरी बूट, मतलब कि इसकी पत्नी कह रही है, अरुणा से कह रही है कि तुम बुरी बूट सीखने लगे हो, बुरी बूट, बुरी बात तुमने सीखने लगे हो, न्यूको, मुझे नया बात सीख रहा हूँ, न्यूको नया बात। अब फिर इसके बाद ड्री उत्सव कैन का ड्रिंक करके आए हो, ड्रिंक, चलो मैं उसका पत्नी हूँ, लो सर मेरे गोद में रख के सो जाओ, चलो लौकी उसको अंदर सुला दो, किसको अंदर सुला दो, अरुणा को, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए इतना समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा मेरे भाई। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, चेरा ओबा, हिक्रू, हिडो, हिडोंगबा, गंगई कुट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका होगा चेरा ओबा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप राइट आंसर कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। अब ये बताइए, मैं आपको बताना चाहूँगा नौ रहे, ये कहाँ का नौ वर्ष है, नौ रहे, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर का,
ठीक है, नौ रहे, नया साल मनाया जाता है, ये पर्व है, त्यौहार है, ठीक है। इस तरह विशु, विशु, ये विशु कहाँ का पर्व है, नया साल मनाया जाता है, नए वर्ष की तरह मनाया जाता है, मलयालम, मलयालम, ठीक है, ये भी आपको हो गया। अब उसी तरीके से और है आपका पंथडू, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। इस तरीके से आपका है बोहाग बिहू, ये कहाँ, बोहाग बिहू, बहु क्या हो गया, भाग गई, भाग गई, बोहाग बिहू। और ये कहाँ का, असम का नौ वर्ष है, ठीक है, नौ वर्ष तरीके से मनाया जाता है। खिचड़ी, खिचड़ी उत्सव कहाँ का है, उत्सव, ये खिचड़ी उत्सव आपका यूपी का है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का है। गुड़ी पड़वा, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है मेरे भाई, ठीक है, कहाँ का आपका हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। और कौन सा आपका, जुड़ी शीतल, ये कहाँ का है आपका, जुड़ी शीतल बिहार का है मेरे भाई, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आपका वीडियो कैसा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारा भी मनोबल बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। अब हम देते अपनी वाणी को विराम देते हैं, अब आप भी अपना अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको वीडियो को भेजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, धन्यवाद।